नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहाँ भी, हमेशा खुश रहें, सुखी रहें और संपन्न। आज है दोस्तों कामदा एकादशी। कामदा एकादशी की शुरुआत 19 अप्रैल रात 8:04 तक रहने वाली है, जो 18 अप्रैल गुरुवार के दिन शाम 5:31 से शुरू। तो कामदा एकादशी मनाई जाने वाली है आज, मतलब कि 19 अप्रैल। जैसा कि नाम है कामदा एकादशी, कामदा एकादशी मतलब व्यक्ति की हर इच्छा पूरी करने वाली एकादशी। आज के दिन जो लोग व्रत रखते हैं, भगवान नारायण की पूजा करते हैं, भगवान विष्णु, भगवान श्री हरि को आज केसर या हल्दी से स्नान करवाएं। केसर या हल्दी का उन्हें तिलक अर्पित करें, पीले कलर के उन्हें वस्त्र अर्पित करें, पीले कलर के फूल अर्पित करें, घी का दिया, अगरबत्ती लगाएं, पीली मिठाई अर्पित करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, पीले कलर के कपड़े पहने, तुलसी की माला से आपको इस मंत्र का जाप करना है ताकि आपकी प्रत्येक इच्छा पूरी हो सके। आज संध्या समय माता लक्ष्मी की पूजा करना भी बिल्कुल मत भूलना। लाल कलर के कपड़े पर माता लक्ष्मी की स्थापना करें, माता लक्ष्मी को गुलाब या कमल के पुष्प अर्पित करें, कमल गट्टे की माला से ओम श्रीम श्रीय नमः मंत्र का जाप करें, माता लक्ष्मी के आगे घी का दिया, अगरबत्ती लगाएं और उन्हें खीर का भोग लगाएं। हमेशा घर में माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। दोस्तों, माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहे, कभी भी गरीबी टच ना करे आप, तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है पाइराइट अपने घर में रखें। पाइराइट ऐसा स्टोन है जो गरीबी को जड़ से हटा देता है, और अभी तो इसकी किट भी अवेलेबल है जिसमें 6 प्रकार की पाइराइट की चीज़ें हैं। कड़ा है, ब्रेसलेट है, पेंडेंट है, अंगूठी है, इयररिंग है और ऐसा रोफोम है, छोटा सा टुकड़ा, मतलब 6 व्यक्ति उसको एक साथ धारण कर सकते हैं। पाइराइट दोस्तों किस्मत को बदल देने वाली चीज है। आप इसका छोटा सा टर्टल भी मंगवा सकते हैं, आप इसका कॉइन भी मंगवा सकते हैं जो बिल्कुल सस्ता आता है और उसमें जो नंबर लिखवाए गए हैं वो बिल्कुल लाजवाब। पाइराइट का जो कॉइन है उस पर 7415208080 ये 3 नंबर दिए हुए हैं, और बहुत सारे लोगों ने कमेंट की है, फोन करके बताया कि मैडम ये नंबर सच में वर्क करता है जबरदस्त। हाँ, वर्क करने पर से मैं आपको बता दूं, अगर आपका स्टोन वर्क नहीं कर रहा है, पहले आया था मैडम बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा काम हुआ, अब काम नहीं हो रहा है, तो मैं आपको बता दूं ये है सेलेनाइट की प्लेट। ये वो प्लेट है जो किसी भी स्टोन को फिर से चार्ज कर देती है। आपको इसके ऊपर स्टोन को ऐसे रख देना है 15 मिनट के लिए, इसको रख करके घर की उत्तर दिशा में रख देना, आप देखेंगे आपका स्टोन फिर से वर्क करने लग जाएगा। पाइराइट हो, ट्यूमलाइन हो, ग्रीन एवेंचुरियन हो, कोई भी स्टोन हो, आप इस सेलेनाइट की प्लेट पर रख सकते हैं। इसको जरूर मंगवाएं। जिनके भी पास रेकी का कोई भी स्टोन है और अगर वो काम नहीं कर रहा है, ब्रेसलेट है, कोई भी चीज़ है, आप इस प्लेट को जरूर मंगवाएं। और एक बहुत अच्छी चीज़ दोस्तों आपको बता दूँ, इस प्लेट से बनाया हुआ ये हैंगर, ये हैंगर अगर जहाँ आप पढ़ाई करते हैं वहाँ इसको टांग सकते हैं, अगर आपका ऑनलाइन वर्क है तो आप इसको टेबल पर टांग सकते हैं, दरवाजे पर टांग दें, शोरूम पर, दुकान पर आप इसको टांग दें, आप देखेंगे ग्राहकों की भीड़ लग जाएगी। घर में अगर ये टंगा है आपके, लटका दिया है आपने इसको, क्योंकि टोटल हैंगर आप देखो कहीं पर भी आप इसको टांग सकते हैं, तमाम प्रकार की नेगेटिविटी को खींच लेता है जो इसके ऊपर, ये आप देख सकते हैं ये जो मोती है इसके ऊपर आंखें बनी हुई है, ये आंखें कोई भी शत्रु आपके घर में आता है उसकी ताकत को खींच लेती है। नजर हाय बद्दुआ से घर को बचाती है, परिवार को बचाती है, नौकरी है उसमें आपकी रक्षा करती है। अगर आपका शोरूम है, दुकान है, किसी की नजर लग गई है, ग्राहक नहीं आ रहे हैं, तो आप इसको मंगवा करके वापस टांग। और ये वो हैंगर है, ये वो प्लेट है जो आपकी प्रत्येक इच्छाओं की पूर्ति करती है, बहुत बढ़िया चीज है, आप इसको मंगवा करके टांग सकते हैं। और एक बहुत अच्छी चीज़ मैं आपको बता दूं दोस्तों, बहुत बढ़िया जानकारी दे दूं आपको कंटेंट बताने से पहले, जैसे मैंने पारद के शिवलिंग इंट्रोड्यूस किए और हजारों लोगों ने पारद के शिवलिंग मंगवाए,
क्योंकि जो पारद का शिवलिंग हमारे यहाँ से आपके पास गया है ओरिजिनल पारद का शिवलिंग है, और जितनी कीमत में गया है इतनी कीमत में दूसरा कोई दे ही नहीं सकता। और ये अभी आ रही हनुमान जयंती, पूनम के दिन है हनुमान जयंती, चैत्री पूनम है। हनुमान जयंती वाले दिन हनुमान जी, पारद के हनुमान जी जो अभी मैंने बनवाए हैं, उनको करंट किया जाएगा, जो भी मंगवाएगा उसके नाम से उनको लाइव कर दिया जाएगा। और आप जानते हैं दोस्तों, हनुमान जी कलयुग के हाजिर हुजूर देवे, और पारद के शिवलिंग हनुमान जी अगर आपके घर में बैठे हैं, नजर हाय बद्दुआ बीमारी सब चीज घर से भाग जाएगी। बहुत पावरफुल हनुमान जी की मूर्ति है जो बन रही है, जिन्हें भी मंगवाना है अभी से आप ऑर्डर कर सकते हैं। ये वो हनुमान जी है जो आपकी किस्मत को पल में पलट देंगे, कलयुग के हाजिर हुजूर देंगे हनुमान जी। आप देखो भारत में गली गली में कोई गली ऐसी नहीं होगी जहां आपको हनुमान जी का मंदिर नहीं मिलेगा, क्योंकि हनुमान जी तुरंत हाजिर होते हैं। पारद के हनुमान जी अगर आपके घर में पूजा स्थान में बैठे हैं, और अगर आप वहां बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, आप देखेंगे आपको हनुमान चालीसा कितनी जल्दी सिद्ध हो जाएगी। बहुत ही पावरफुल चीज़ है, और मैं तो कहूँगी सभी को कि ये पारद के हनुमान जी जरूर ऑर्डर करें और अपने घर में इन्हें विराजमान करें, आपके नाम से करण करके आप तक भिजवा दिए जाएंगे। और अभी चैत्री पूनम वाले दिन, हनुमान जयंती वाले दिन मंदिर में रख करके इनकी पूजा होगी, ये पूजित हनुमान जी आप तक पहुँचाए जाएंगे। और हाँ, आज का जो कंटेंट है वो मैं आपको बता दूँ, क्योंकि आज एक कामदा एकादशी, एक काम जरूर करें, जब आप भगवान विष्णु की पूजा करते हैं उनके आगे घी का दिया लगाएं, माता लक्ष्मी के आगे घी का दिया लगाएं। और जैसे आप और हम सब जानते कि दालचीनी माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है, जहाँ धन होता है वहाँ दालचीनी रखी जाती है, दालचीनी धन की वृद्धि करती है। हवन में भी अगर आप दालचीनी का टुकड़ा माता लक्ष्मी के नाम से अर्पित करते हैं तो घर में लक्ष्मी की वृद्धि होती है। आज के दिन आप कोई बड़ी पूजा ना कर सके तो दालचीनी का एक टुकड़ा जो दिया आप जलाते हैं, दिए की ज्योत में बाती के साथ बराबर से लगा करके रखते हैं, जो गोल बाती का दिया जलाएंगे वे लोग घी में दालचीनी का टुकड़ा डाल दें। दालचीनी के टुकड़े को बाती में ऐसे लगाएं कि धीरे धीरे वो टुकड़ा ज्योत के साथ जलता है। ये वो उपाय है जो घर में धन की वृद्धि का। दिया जब आप जलाते हैं तो उससे चावल, पहले दिए के नीचे चावल रखें, चावल की ढेरी करें, उसके ऊपर दीपक रखें। अगर आपके पास कुबेर दीपक है तो आप उससे ही जलाएं, और उसमें एक दालचीनी का टुकड़ा जरूर डालें। आज के दिन दिए में दालचीनी का टुकड़ा डालने से माता लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती है। अगर टुकड़ा पूरा जल जाता है तो कोई बात नहीं है, उसके भस्म को उठा करके आप धन स्थान में रख सकते हैं। अगर टुकड़ा बच जाता है तो उसे भी आप एक कागज में फोल्ड करके रख दें धन स्थान में। ये दालचीनी का टुकड़ा हमेशा घर में धन की वृद्धि करता है। आज मैं देख लें जैसे प्रश्न।